अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, असमास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं एक सिंपल और इजी रेसिपी एग पराठा। तो हमने यहाँ 2 कप गेहूं का आटा लिया है, इसकी जगह आप 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा से भी आप इसे बना सकते हैं। तो हमने यहाँ 2 कप गेहूं का आटा लिया है और 1 टीस्पून तेल और 1/2 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम आटे को गूंद कर रखते हैं। तो आटे में डालेंगे हम ये तेल, नमक डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। नमक और तेल को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में अब डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा सा पानी और इसे अच्छी तरह गूंद लेंगे। तो यहाँ हमने ये आटे को गूंद लिया है और आटे को हम थोड़ा सा नरम ही गूंदेंगे, कड़क आटा हम यहाँ नहीं गूंदेंगे। तो हमने यहाँ ये नरम आटा गूंद लिया है। अब रख देते हैं हम इसे 10 मिनट के लिए। यहाँ हमने 4 अंडे लिए हैं, 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पिसी हुई काली मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून नमक लिया है। तो यहाँ हमने 2 टमाटर लिए हैं, इन्हें हमने बारीक काट लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया, इसे भी बारीक काट लिया है और 1 मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट लिया है और 3 से 4 हमने यहाँ हरी मिर्च लिए, इन्हें भी हमने बारीक काट लिया। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ ये 4 अंडों को फोड़ लिया है। अब डाल देंगे हम इसमें ये सारे सूखे मसाले और अच्छी तरह हम इसे फेंट लेंगे। तो यहाँ हमने ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और टमाटर प्याज ये सारी चीज़ें हम जब पराठे बनाएंगे तब डालेंगे। ये आटा अच्छी तरह सेट हो गया है तो हाथ पर हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इस तरह हम लोई को तोड़ लेंगे। इस तरह की लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमने ये 4 लोइयां बनाकर तैयार कर ली हैं। अब एक लोई को हम उठाएंगे और इसे हाथों से थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे। थोड़ा सा हम सूखा आटा फिर लगाएंगे। अब हल्के हाथों से हम इसे बेल लेंगे। तो यहाँ हमने इसे रोटी की तरह बेल लिया है। अब डालेंगे हम इस पर तेल, तेल की जगह आप घी या बटर कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ हम तेल लगा रहे हैं और तेल को हम इस तरह चारों तरफ फैला देंगे। लगाने के बाद में अब डालेंगे सूखा आटा और इसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरह हमने फोल्ड कर लिया है। अब इसे इस तरह फिर से हम लोई बना देंगे और ये बचे हुए आटे को हम इस तरह कर देंगे। इस तरह ये लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमने ये 4 लोइयों को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे फिर से मिलेंगे। तो यहाँ हम फिर से सूखा आटा लगाएंगे और हल्के हाथों से हम इसे फिर से बेल लेंगे। तो यहाँ हमने ये पराठा बेल लिया है और इस तरह आप सारे पराठों को बेलकर तैयार कर लें। तो यहाँ हमने पराठे को बेलकर और एक प्लेट पर रख लिया है। तो ये टमाटर डाल देंगे, हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमने ये सारी चीजों को अंडे में अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो गैस पर हमने तवे को अच्छी तरह गर्म कर लिया है। अब डाल देंगे हम इस पर ये पराठा और गैस की फ्लेम को हम यहाँ तेज रखेंगे। कुछ सेकंड के बाद में अब इसे हम पलट देंगे। पलटने के बाद में थोड़ा सा लगाएंगे हम तेल। कुछ सेकंड के बाद में अब यहाँ पर भी हम इसे पलटेंगे और थोड़ा सा लगा देंगे तेल। डालेंगे हम ये अंडे का मिक्सचर। तो यहाँ हम अंडे का मिक्सचर थोड़ा ही डालेंगे, 1 चम्मच के करीब, और इसे अच्छी तरह फैला देंगे। और यहाँ गैस के फ्लेम को हम बिल्कुल मंदा रखेंगे। तो अभी यहाँ हम थोड़ी देर से ढक देंगे करीबन 10 से 12 सेकंड के लिए ताकि पराठा अंडे को अच्छी तरह पकड़ ले। और थोड़ी देर के बाद में हम इसे खोल कर देखेंगे करीब। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये अंडा अच्छी तरह पराठे पर लग गया है। अब इसे हम पलट देंगे।
और पलट के हम इसे हल्के हाथों से इस तरह दबा देंगे ताकि ये पराठा अच्छी तरह सिक जाए। और थोड़ी देर के बाद में अब इसे हम फिर से पलटेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये पराठा अंडा दोनों अच्छी तरह सिक चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे और इस तरह हम सारे अंडे और पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। लीजिए, बहुत ही मजेदार से चटपटे जबरदस्त ये अंडा और पराठा बनकर तैयार हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।